वेलकम टू बिजनेस टाइकून। बिजनेस टाइकून में आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य बंसल। आज मैं दोस्तों बताऊंगा आपको ऐसी टॉप ट्रिक्स जिसमें आप कम समय के लिए और ज़्यादा समय के लिए स्टॉक अगर आप सिलेक्शन करना चाहते हैं, बहुत अच्छा स्टॉक, बेहतरीन स्टॉक मात्र 2 मिनट में, और इस स्टॉक को आप बाय करके या सेल करके बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपने वीडियो को शुरू करने से पहले। दोस्तों अगर किसी ने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देखिए। ये मैंने पिछले वीडियो हैं, ये सोने का अंडा देने वाली मुर्गी स्टॉक, इसमें मैंने जो शेयर बताया था वो 250 रुपये का था पहले, अब 300 से ऊपर पहुंच चुका है, कुल मिला के बढ़ रहा है। ये रिचार्ज वाला ऐप्स है जो बहुत अच्छा इनकम भी देता है और आपका बैलेंस भी चेक करा के बताता है, वो स्टेटमेंट बैंक बैलेंस। इसको आप रेफ़र करोगे तो इतने पैसे मिलते हैं इसमें, आप देख लीजिए। बिटकॉइन भी बहुत अच्छा चल रहा है, लोग बिटकॉइन को बहुत ज़्यादा ख़रीद रहे हैं और बहुत अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं, और भी बहुत सारे स्टॉक हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको आपके अपने बारे में बता दूँ। दोस्तों मेरा नाम आदित्य बंसल है, मेरा रिटेल स्टोर का बिजनेस है, मैं जरोदा का मार्केटिंग पार्टनर हूं और जरोदा का बिजनेस पार्टनर भी हूं, बिजनेस पार्टनर भी हूं जरोदा का, और फॉर्मर फाइनेंशियल एडवाइज़र इन IIFL। दोस्तों मेरा कॉन्टैक्ट नंबर व्हाट्सअप नंबर है 9977187423, ईमेल है aditylovely89, और वेबसाइट है बिजनेस टाइकून आदित्य blogspot.com। दोस्तों जैसा कि मैं जरोदा का बिजनेस पार्टनर हूं और मार्केटिंग पार्टनर भी हूं, ये वाला अपना स्टॉक मैं बताऊंगा आपको कम समय में ज़्यादा समय के लिए, बेहतरीन स्टॉक सुना है 2 मिनट में। उससे पहले अगर आपने जो भी डीमैट अकाउंट अगर अपन ओपन नहीं कराया है तो जल्दी करा लीजिए, और करा लिया है तो अच्छी बात है, और जरोदा में ही कराइए, बहुत अच्छा ब्रोकर है, डिस्काउंट ब्रोकर है, आज की ब्रोकरेज कम लगती है, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा अगर आपको अकाउंट ओपन कराना है तो। दोस्तों अगर मेरे द्वारा आप अकाउंट ओपन कराते हैं नीचे दी गई लिंक के द्वारा, तो आप बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, बहुत फ़ायदा मेरी तरफ से हो सकता है। दोस्तों अगर बेसिकली आप जरोदा की साइट पर जाओगे, वहाँ पर साइन अप करोगे, तो वहाँ से जरोदा से अकाउंट, अगर जरोदा के द्वारा डायरेक्ट अगर आपको अकाउंट ओपन कराना है तो आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जरोदा टिप्स प्रोवाइड नहीं करती और ना ही कोई टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस का सपोर्ट प्रोवाइड करती है। जरोदा में आप उसका प्लेटफॉर्म बढ़िया, आप ट्रेडिंग कर सकते हो अपने तरीके से, आपको जैसा करना है, और ब्रोकरेज बहुत कम है। दोस्तों अगर आप मेरे साथ जुड़ोगे, मेरे द्वारा आप अकाउंट ओपन कराओगे, तो आपको 5 फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा, स्टॉक कैसे चुने, फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, स्टॉक का चयन किस आधार पर करें और कैसे प्रॉफिट करना है, इसकी सारी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। दूसरा है दोस्तों, मेरा एक व्हाट्सअप ग्रुप है जो डीमैट अकाउंट जिसने मेरे द्वारा ओपन कराया है उसी के लिए उनको मैं ऐड करता हूं, जिसमें उनको पेनी स्टॉक और भी बहुत सारी शेयर मार्केट से जुड़ी जानकारी और बातें बताई जाती हैं। तीसरा फ़ायदा आपको होगा, जो मेरी पेड वीडियो में बनाऊंगा उसका फ्री एसेस आप उनको फ्री में देख सकते हैं, कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा आपसे। चौथा फ़ायदा है आपको, जरोदा में काम कैसे करें, आपने अकाउंट ओपन करा लिया उसके बाद जरोदा में शेयर कैसे ख़रीदते हैं, कैसे बेचते हैं, क्या क्या ऑर्डर डालते हैं, क्या डालते हैं, क्या नहीं डालते, उसके बारे में आपको बताऊँगा। इसमें आप अपना एक मैं पर्सनल नंबर दे दूँगा आपको, जिससे आप मुझे कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं और बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। पांचवा अपना है फाइनेंशियल प्लानिंग। दोस्तों जैसे कि मैं फाइनेंशियल प्लानर हूं और आपको फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए सपोर्ट भी करूंगा, आप मुझसे हेल्प ले सकते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में, और भी बहुत सारी चीज़ें जो मेरे साथ जुड़कर आपको कुल मिला के फ़ायदा ही होगा, नुकसान आपका कुछ नहीं होगा अगर आपको मुझसे डीमैट अकाउंट ओपन कराना है
तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दी हुई है, वहाँ पर आप जाइए, उसको आप ओपन करोगे और उसमें साइनअप का और कॉल मी का ऑप्शन आता है, आप उसमें साइनअप करिए या कॉल मी करिए। उधर से ब्रोकर आपको कॉल करेगा, आपको बता देगा कैसे ओपन कराना है, आपको फॉर्म सेंड कर देगा, आप जो भी डॉक्यूमेंट उसके साथ लगते हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी, 6 महीने के बैंक स्टेटमेंट, एक फ़ोटो, नॉमिनी का नाम वगैरह, आप उसको भर के उधर भेज दीजिए, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। और उसके बाद बाकी सब मेरे ऊपर है, आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर लीजिए, मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा। मुझे भी आपकी जानकारी रहती है कि आप कौन कौन अकाउंट ओपन करा रहा है, उसकी जानकारी मेरे पास डाटा आ जाता है कि मैं बता दूँगा। आगे चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। दोस्तों पहले अपन शुरू करते हैं, मैं यहाँ यूएसबी ब्राउज़र पर जाऊँगा। मैंने टाइप किया है म्यूचुअल फंड इंडिया, आप वेबसाइट पर जाएंगे म्यूचुअल फंड इंडिया की, नीचे देखते हैं म्यूचुअल फंड इंडिया की वेबसाइट है www.mutualfundindia.com, आप इसको ओपन करेंगे, ये अपनी ओपन हो गई म्यूचुअल फंड इंडिया की वेबसाइट। दोस्तों आप इसको क्या करना है, आप नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, ये एमएफ स्क्रीनर, डेली डोजियर, ये सारे फंड हैं, बहुत अच्छे फंड हैं, टॉप परफॉर्मेंट फंड हैं, इक्विटी, बैलेंस, डेप्ट, लिक्विड, गिल्ट, डायमंड, ETF, स्पेशली एफ, ये सारे फंड हैं इसमें, DSP, ब्लॉक रॉक, LND, इमर्जिंग, ये सारे इक्विटी के फंड दिए हुए हैं। इसको आपको और नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इधर से आपको नीचे जाना है, ये मैं मोबाइल पर खोल रहा हूँ इसलिए ऐसा दिख रहा है। दोस्तों आपको जाना है नीचे, यहाँ देखिएगा फास्टेस्ट स्टॉक और स्लोएस्ट स्टॉक्स, आपको देखना है दोस्तों फास्टेस्ट स्टॉक्स, यहाँ बता रहे हैं आपको NTPC, HDFC, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, HPCL, वेदांता, टाटा स्टील, हीरो मोटो कॉर्प, VPCL, कोचिन शिपयार्ड, गेल। दोस्तों ये 31 अगस्त के बाद का डाटा है, ये आपको बताएगा कि म्यूचुअल फंड ने सबसे ज़्यादा किस स्टॉक में होल्डिंग बनाई हुई है, क्योंकि म्यूचुअल फंड उसमें होल्डिंग बनाते हैं, बहुत अच्छी रिसर्च करते हैं, बहुत गहरी रिसर्च करने के बाद ही वो स्टॉक चुनते हैं जिसमें उनको प्रॉफिट होता है, क्योंकि उनके पास निवेशकों का पैसा लगा होता है, इसीलिए बहुत ऐसा स्टॉक चुनते हैं जिसमें कोई गुंजाइश नहीं होती नीचे जाने की, बहुत अच्छा स्टॉक चुनते हैं। देखिए आप NTPC से सुनाएं, 3,012 करोड़ रुपए का इसमें चेंज किया है मार्केट वैल्यू से, इसमें इतनी होल्डिंग बनाई हुई है, HDFC में इतनी होल्डिंग बनाई है, यह भी लेटेस्ट होल्डिंग बनाई है इसमें। और इसमें स्लोएस्ट स्टॉक्स में जाते हैं, 31 अगस्त तक बेचे हैं उनने स्टेट तक के बाद, कितने स्टॉक उनने बेचे हैं इसका ये उनके बारे में बताया जाता है। फास्टेस्ट स्टॉक मिलेंगे आपको इसमें, ये स्टॉक बहुत अच्छी कंपनी है, इनको आप शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए बाय करें, और इसमें होल्डिंग रखते हैं। तो दोस्तों ऐसे आप दो मिनट में पता कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां हैं, ये आप भी जानते हैं कि टॉप कंपनियां हैं मार्केट की, जिसमें ये स्टॉक में होल्डिंग बनाते हैं और उनको होल्ड करते हैं, इसमें आपका पैसा इन्वेस्ट रहता है। ये नीचे लिखा हुआ है फास्टेस्ट स्टॉक आर द कंपनी वेयर द चेंज इन होल्डिंग वाई एसेट मैनेजमेंट कंपनी AMC हैज बीन द हाइएस्ट कंपेयर्ड टू द प्रीवियस मंथ, स्लोएस्ट स्टॉक आर दीज कंपनी वेयर द
चेंज इन मार्केट वैल्यू हेल्ड बाई एच ए एम सी है डिक्लाइन द मोस्ट कंपेयर टू द प्रीवियस मंथ। पिछले मंथ के मुकाबले उन्होंने इस मंथ में कौन सी कंपनियों में होल्डिंग बढ़ाई है उसके बारे में ये बताया जाता है। स्लो स्टॉक में जाते हैं अपन। स्लो स्टॉक में देखिए आप, इन्होंने पिछले महीने किस स्टॉक्स में होल्डिंग, इन्होंने होल्डिंग कम की है, तो आप देखिए जो स्टॉक हैं इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोटक महिंद्रा, बैंक ऑफ इंडिया, टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स डीबीआर। देखिए दोस्तों, इनमें आप कैश में अपना डिलीवरी बढ़ाएं जिससे आपको अच्छा मार्जिन हुए। ये कंपनी अपनी होल्डिंग बदलती है इसका यहाँ पता लगाया जा सकता है। उसी की तरह आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और डीमैट अकाउंट मेरे द्वारा खुलवाइए और अच्छा फ़ायदा और प्रॉफिट कमाइए। थैंक यू।